आज मैं नर्सरी गई, वहाँ बहुत सारे फूल थे, पर मैं रेड मैंडेविला लेने गई थी और मुझे रेड मैंडेविला काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी और वो मुझे दिख गई रेड मैंडेविला। तो नर्सरी के मालिक ने मुझे ये रेड मैंडेविला 450 बोला। तो मुझे मैं नर्सरी के मालिक से बार्गेनिंग की, वो मुझे नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने उसे बहुत बोलने के बाद, मैं उसकी पुरानी कस्टमर हूँ, मैं वहाँ से हमेशा फूल लेती हूँ, तो वो मुझे फिर 300 में देने के लिए राजी हो गया। तो उसके बाद मैंने उससे पूछी कि इसे मैं किस तरह टेक केयर करूँ, तो मुझे इसके बारे में बताया कि आप इसे किस तरह से टेक केयर करोगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं मून लाइफ स्टाइल से मून एक बार फिर आपके साथ जुड़ गई हूँ। आज मैं नर्सरी गई थी और नर्सरी में मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी मैंडेविला रेड, ये इस कलर की मैंडेविला रेड कलर की, और मुझे आज मैंडेविला मिला और मैं झटपट उसे खरीदी और ख़रीद कर अभी घर आई हूँ। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे मैंडेविला, मेरे पहले से ही वाइट और पिंक कलर के मैंडेविला थे और मैं अभी नर्सरी से रेड कलर के मैंडेविला खरीद के लाई हूँ। मैंडेविला मैं लाई हूँ, मेरे पास ना दो वाइट, ये वाइट कलर के मैंडेविला थे और देखिए ये कहाँ तक चढ़ी है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हुई, एक साल की पौधी है ये देखिए। और एक पिंक है, ये देखिए ये पिंक है। ये दो कलर थे मेरे पास मैंडेविला के, बट मेरे पास रेड नहीं थे, मैं रेड लेने गई थी, पर ये बहुत ही मतलब कॉस्टली भी है और हमेशा ये मिलती नहीं है ये रेड कलर के मैंडेविला, तो मुझे नहीं मिली थी। तो मैं तभी सोच के रखी थी कि मैं नर्सरी में जब भी इसे देखूंगी मैं इसे ज़रूर खरीदूंगी। और कल मैं गई थी लेने, तो मैं कल ली नहीं, आज मैं सुबह जाकर सबसे पहले ये मैंडेविला, ये रेड कलर की मैंडेविला खरीदी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये 3.5 ही पीस उसके पास रखे हुए थे और ये इतने ही मतलब सभी इन्हें इतना पसंद करते हैं ना कि ये जल्दी बिक जाती है। तो मैं झटपट जा कर के आज सुबह जा कर के ख़रीद ली। ये मुझे वो 450 बोला था ये मैंडेविला के, देखिए, पर मैं उससे बार्गेनिंग करके 300 में लाई हूँ। ये 300 मुझे लगता है सही रेट लगाया है वो। जहाँ से ख़रीदी हूँ ना उस नर्सरी के मालिक से मैं अच्छे से पूछ कर लाई कि मैंडेविला की टेक केयर मैं कैसे करूँ, तो वो बोला कि मैंडेविला को ना आप अधिक धूप में मत रखिएगा, जितना मतलब 40 डिग्री, अभी जो गर्मी आ रही है तो गर्मी में जो अभी तो अप्रैल मई में तो यहाँ हमारे यहाँ तो झारखंड में भी 40 डिग्री के करीब गर्मी हो ही जाती है, धूप आ ही जाती है, तो वैसे धूप से इसे बचा कर रखने के लिए बोला है। नहीं तो बोला है कि पौधे पूरे सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे, फिर आप इसे बचा नहीं पाइएगा। तो इसके लिए मैं इसे तो पहले सोची थी कि टेरेस पे रखूँगी, पर नहीं, मैं इसे बैलकोनी में ही इस ऐसे शेड पे ही रखूँगी। यहाँ पे धूप तो आती है पर मॉर्निंग की धूप आती है, दोपहर की जो एक बहुत ही तेज़ धूप होती है वो नहीं आती है। तो मैं झटपट ये सारे भी गमले यहाँ यहीं पे रख दी हूँ ये, क्योंकि ऊपर यहाँ पहले थी तो यहाँ बहुत ही धूप, मतलब दोपहर की जो एक तेज़ धूप होती है ना वो यहाँ आती है, तो यहाँ मैं उड़ूल रखी हूँ, तो और टेरेस पे तो बिल्कुल नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे है ना केवल मॉर्निंग की धूप आती है, तो मैं यहाँ रख दी हूँ, दोपहर की तेज़ धूप से ये बची रहेगी। और बोला है नर्सरी का मालिक कि आप ना मैंडेविला में रोज़ बहुत सारे पानी मत दीजिए, अभी गर्मी है तो दीजिए थोड़ा थोड़ा हाफ मग करके पानी डाला कीजिए, लेकिन आप बहुत पानी से मैंडेविला
की रूट ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो सड़ने लगती हैं। तो ऐसे भी मेरे साथ हो चुकी है, मैं ये देख चुकी हूँ। मैं ना ये जो वाइट कलर के जो मैंडेविला है ना, ये मैं थर्ड टाइम लगाई हूँ। इससे पहले पता है ये मैं दो लगा चुकी थी और वो बिल्कुल सर गई थी। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं मैंडेविला बचा क्यों नहीं पा रही हूँ। तो एक्चुअली क्या था ना, उस समय मैं टेरिस पे मैंडेविला रखी हुई थी और टेरिस पे कोई शेड नहीं है, तो पूरे डायरेक्ट तेज़ धूप भी पड़ती थी और पानी भी बहुत बरसात में, तो पूरे पानी में ही मैंडेविला थी, तो पूरे सर गया। तो इसलिए ना अब मैं इसको यहाँ रखी हूँ। मतलब ये एक साल के मैं मेरे वाइट मैंडेविला है, तो एक साल में देखिए काफ़ी ग्रोथ कर गई है। देखिए ना बहुत अच्छी तरह से ये ग्रोथ हुई है। तो अभी मैं बैल्कोनी में रखने के बाद ना ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है और मैं इसे बचा भी पाई हूँ। देखिए कहाँ तक गई है मेरी ये वाइट मैंडेविला। तो इसे आप ना कभी भी मैंडेविला लगाओ तो मैंडेविला को ना तेज़ धूप से और बरसात के पानी से बचा के रखो। और आप भी जब पानी दो ना तो मतलब गर्मी में रोज़ थोड़ी थोड़ी करके दो, पर ऐसे ठंड में तो एक दिन दो दिन बीच करके दो। अगर आप देखो कि ये पॉट पूरे मिट्टी पूरी भींगी हुई है तब आप पानी बिल्कुल अवॉइड करो, और अगर देखिए कि सूखी हुई है तो आप हाफ कर मग करके इसमें पानी डाला करो। मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ, ये जो मेरे पिंक कलर के जो मैंडेविला है ना, ये ना यहाँ से इस जगह मैं शेयर करती हूँ, ये जगह पे, इस जगह पे देखिए ये टूट गई थी, यहाँ से थोड़ी सी बची हुई थी। मुझे इतना बुरा लगा ना, इतना मतलब बहुत ही दुख लगा। मैं क्या कि फ्रेश जो एलोवेरा है उसकी मैं पत्तियाँ तोड़ कर लाई और उसे मैं यहाँ पे काट करके यहाँ लगाई, और लगा कर उसे मैं जो टेप होती है ना उस टेप से, यहाँ पे सेलो टेप से मैं यहाँ हल्के से इसको दबा दी एलोवेरा को। और उसके बाद मैं दो दिन बाद उसे खोली, दो दिन हाँ एक से दो दिन रखी, उसके बाद खोल दी क्योंकि हवा लगनी ज़रूरी थी। और खोलने के बाद मैं देखी, ये देखी यहाँ से पूरा सेट गया, ये जॉइंट हो गया है। उसके बाद जाके अब मुझे ये नर्सरी का मालिक ही बोला था, मैं नर्सरी में जाकर पूछी कि ऐसा हो गया मैं क्या करूँ, तो मुझे नर्सरी का मालिक बोला आप ऐसा करो, वो वहाँ पे है ना जैसे हड्डियाँ जोड़ी जाती हैं उस तरह वो उसे एलोवेरा से वो वहाँ जुड़ जाती है। तो मैं यार बोली जल्दी आप एक दो दिन में खोल देना, तो वो खोल दी आ करके उस दो दिन में ही। तो फिर वो देखें यहाँ पे अब जॉइंट हो गई है। तो आपको भी कभी इस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़े प्लांट्स में तो आप इसे ऐसे ही कीजिए, इससे जुड़ जाती हैं। तो एक चीज़ और शेयर करती हूँ, यहाँ पे ना देखिए यहाँ पे शायद मैं वही हवा से ही इसे ये यहाँ पे जो मुड़ गई थी कि क्या, देखिए ये पूरा यहाँ ब्लैक हो गई है। अभी मैं ना सोची यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी, कट करने के बाद है ना अधिक ऊपर नहीं गई थोड़ी सी है वाइन, तो फिर यहाँ से कट करने के बाद है ना यहाँ से नए प्लांट्स के जो पत्तियाँ निकलेंगी ब्रांचेस निकलेंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ अभी वहाँ से कट कर दूँ। तो इस तरह से मैं मैंडेविला आपके साथ शेयर की। अब मैं इसे आराम से मैं दूसरे पॉट पे लगाऊंगी, थोड़ी बड़े पॉट पे ही लगाऊंगी, इसी तरह के पॉट पे लगा दूंगी, लगा कर यहीं पे मैं इसे रखूंगी। अभी यहाँ पे हल्की धूप भी मिलेगी और शेड भी मिलेगी और बरसात के पानी से भी ये बची रहेगी। तो मैं इसी जगह पे यहाँ पे रख दूंगी क्योंकि ये बहुत केयर मांगता है मैंडेविला। आप अगर अच्छे से केयर नहीं करोगे ना तो आप इसे बचा नहीं पाओगे। ये इसकी सबसे पहले तो इसकी रूट ही सड़ जाती है और इतने पैसे की बात नहीं है, ये मिलती ही नहीं है सबसे स्पेशली। तो आप ढूँढो आपको जल्दी ये रेड कलर, तो स्पेशली आपको मैं वाइट आपको मिल जाएगी हर जगह, हर नर्सरी में प्लांट्स में के नर्सरी में आपको मिल जाएगी, पर ये रेड नहीं मिलती है, मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद मिली है। तो इसे मैं अब अच्छे से ही इसे केयर करूंगी। और हाँ इसे ना हार्डी फर्टिलाइज़र से भी बचा के रखनी चाहिए, हार्डी फर्टिलाइज़र नहीं, हार्डी फर्टिलाइज़र और पानी ये दोनों से ही ये इसकी जड़ सड़ जाती हैं। तो इसे मैं कंपोस्ट दूंगी और गोबर के ही खाद से मैं इसे लगाऊंगी। तो
ठीक है, मैं अब आपके साथ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जुड़ूंगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं ये रेड वाइन को, मांडेविला को जो दूसरे गमलों में जो लगाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय।